नमस्कार, मैं डॉक्टर जया और ये पेशेंट हैं जिनका आज हम वीडियो टेस्टिमोनियल लेंगे। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, जिससे मुंह में कड़वापन आता था, वोमिटिंग होती थी, सर में दर्द रहता था और सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था। इनको मतलब इतना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम था कि सुबह सुबह इनको वॉमिट करना पड़ता था, तब जाके इनकी एसिडिटी ठीक होती थी। मुंह पूरा कड़वा रहता था और वोमिटिंग जैसा भी हुई और चक्कर आते थे, वोमिटिंग जैसा ज़्यादा लगता था। फिर आपकी मतलब वो ये दवा चली है, उसके बाद में हमको बहुत ही अच्छे से जल्दी से रिलीफ मिला। ऐसी का पहले सा थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पर वो इतना महसूस करे इतना नहीं होता है। ठीक है, 80% आराम इनको मिला है। और जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपने लगभग एक वीक जैसा दवाई ली और एक वीक में ही आपको आराम मिलना चालू हो गया था। पेट का दर्द मतलब वो इसका कब्ज का इसका बहुत जल्दी रिलीफ हुआ। ठीक है, तो एक वीक की मेडिसिन में इनको जो पेट की प्रॉब्लम थी, जो कॉन्स्टिपेशन था, कब्ज था, गैस थी, एसिडिटी और उसके बाद वॉमिटिंग भी बंद हो गया था, है ना? आपका एक वीक की दवाई, ठीक है, तो वॉमिटिंग भी इनका बंद हो गया था। जो माइग्रेन की प्रॉब्लम लोग बरसों बरस दवाई पेन किलर लेकर के भी ठीक नहीं हो पाता है, वो वॉमिटिंग सेंसेशन, वो गैस बनना, हाइपर एसिडिटी वन वीक की मेडिसिन से ही इनका काफी कम हो गया, काफी फर्क पड़ा था। और अभी तक आपको ये ट्रीटमेंट से 80% फर्क लगा और इनको ये ट्रीटमेंट से 80% रिलीफ लग रहा है। तो जो लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में टाइम लगता है, ये पेशेंट लाइव जो बैठे हैं मेरे साथ, ये जो पेशेंट का टेस्टिमोनियल है, ये उन लोगों के लिए है। क्यों तो फिर क्यों ना शुरुआत में ही आए और शुरुआत में ही हम अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस है या बैकिक है, जो आंटी को इतनी सारी प्रॉब्लम थी, अगर शुरुआत में ही ऐसे पेशेंट आ जाते हैं होम्योपैथी में, तो सोचिए कि कितना अच्छी तरीके से जड़ से हम उनका वो रोग मिटा देंगे। तो बिल्कुल आप सेटिस्फाइड हैं होम्योपैथी से? और लोगों को क्या बोलेंगे आपके, कैसे होम्योपैथी करना चाहिए बताइए? चाहिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसके चलते हम यही कहेंगे कि सब ये दवा का मतलब ये लो, अनुभव करो और लेंगे तो ही अनुभव होगा ऐसा। ओके, थैंक यू।